अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो अपने जो लॉस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था और न्यूमेरिकल्स भी जो थे वो हमने देख लिए थे। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को देख लेते हैं और इसमें देखें ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स 4 मार्क्स के आते हैं और कभी कभार वो ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही आपसे पूछ लेते हैं। तो आज जो है वो हम ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को देखेंगे। सबसे पहले देखें ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्रैम्स लॉ को समझने से पहले ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने से पहले हम जो है वो डिफ्यूजन को समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक फिज़िकल फिनोमेना है और ये फिज़िकल फिनोमेना जो है वो आपको आमतौर पर डेली लाइफ में नज़र आता है और ये आपने 9th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा होगा। डिफ्यूजन ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो स्प्रे लिया और स्प्रे को स्प्रे किया, तो जैसे ही आप स्प्रे के अंदर अपने परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैलते हुए उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब वो जो स्मेल आ रही है वो स्मेल इस वजह से आ रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉटल से होते हुए आप तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब वो जो बॉटल है, ये जो बॉटल आपके पास मौजूद है, इस बॉटल के अंदर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। अब जैसे ही आपने स्प्रे किया, अब स्प्रे में से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सपोज आप खड़े हुए, आप यहाँ खड़े हुए, तो यहाँ पर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये मूवमेंट है मॉलिक्यूल की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो क्या है आपके पास, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। ये आपको बात समझ में आ गई होगी और ये आमतौर पर आपको आपने 9th क्लास के अंदर भी फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, ये तो सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसकी एक मिसाल और भी है, आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर पानी मौजूद है, आपने एक ड्रॉप जो है वो इंक डाला। अब वो जो ड्रॉप इंक है वो सब जगह क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। जब वो सब जगह फैलती जाएगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम इसको डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। अब देखें डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। अब देखें ग्रैम्स जो है वो एक साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट ने जो है वो लॉ दिया डिफ्यूजन के बारे में। अब देखें जब डिफ्यूजन का वर्ड आपके सामने आ रहा है तो वहाँ जो वर्ड आपके सामने है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहाँ जो वर्ड आपके जहन में आ रहा है वो आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब ग्रैम्स ने बुनियादी तौर पर यही स्टडी किया था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के मूव करने में आपके पास अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है और आपके पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है, क्या दोनों के दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे? तो ग्रैम्स लॉ ने बुनियादी तौर पर इसी की स्टडी की थी और इसको स्टडी करके एक लॉ के फॉर्म में उसने जो है वो दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास है गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, इन मूवमेंट की उन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। अब सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास जो है वो इन्होंने स्टडी क्या किया, इसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है नाइट्रोजन, इसका वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, 1 dm³ है, ठीक है।
आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने जो है वो इधर से इसको रिलीज़ किया। जैसे ही रिलीज़ किया तो इस कंटेनर को जो है वो खाली होने में एक सेकंड लग गया। यानी आपने देखा कि जैसे ही आपने कंटेनर खोला है, कंटेनर खोलने के एक सेकंड के बाद जो कंटेनर था पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। इसी तरह से इसमें देखा आपने, जब इसको देखा तो इसमें आपको नज़र आया कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो सेकंड के अंदर क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। अब ये जो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम का, कंटेनर के वॉल्यूम का गिवन टाइम के अंदर निकलना, यानी गिवन वॉल्यूम का यूनिट टाइम के अंदर निकलना, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 dm³ है, और टाइम है तो इसका आ जाएगा 1 dm³/s, यानी इसकी स्पीड बनेगी 1 dm³/s। इसका निकाल लो, इसका 1 dm³ है और टाइम 2 सेकेंड है तो बनेगा 0.5 dm³। अब इसकी जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, वो इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो ये बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। अब यहाँ पर देखें, इस एक्सपेरिमेंट से तो ये पता लगा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ गैसेज हैं वो एक स्पीड के साथ मूव नहीं करती। अगर एक स्पीड के साथ मूव कर रही होती तो जो ऑक्सीजन था, ये जो नाइट्रोजन था, ये पहले निकल जाना चाहिए था इसको, ये बाद में निकला। ऑक्सीजन जो था वो आपका बाद में निकला, ठीक है। तो ये रेट आपको समझ में आ गया, रेट क्या है, स्पीड ऑफ। अब ग्रैम्स ने क्या किया, ग्रैम्स ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे भी आपको रेट तो समझ में आ गया होगा, रेट का मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल कितनी स्पीड के साथ जो है वो सरफेस को मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने जो है यहाँ पर आपके पास क्या ली, HCl गैस को फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरी गैस ली उन्होंने, दूसरी गैस में आपने क्या लिया, अमोनिया लिया, ठीक है। अब आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा कि HCl और अमोनिया दोनों जब मिलते हैं तो दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बना देते हैं। वाइट फ्यूम्स बनाने का मतलब क्या होता है, वाइट फ्यूम्स बनाने का मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं और इन्होंने कंबाइन होने के बाद जो है वो वाइट फ्यूम्स बना लिए। अब इन्होंने एक तरफ HCl लिया, एक तरफ अमोनिया गैस ली, और आपको पता ही गैस के मॉलिक्यूल एक जगह नहीं रुकते, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ये मॉलिक्यूल क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अब पहली चीज़ देखें, अगर गैस के मॉलिक्यूल यानी अगर वाइट फ्यूम्स आपके यहाँ बन जाते हैं, वाइट फ्यूम्स यहाँ बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों के दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्हें नज़र आया कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक पोजीशन में नहीं बने, अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो फ्यूम्स से, गैस के फ्यूम जो उन्हें बनते हुए नज़र आए, गैस के फ्यूम में उन्हें यहाँ बनते हुए नज़र आए, यहाँ उनको वाइट फ्यूम नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पर जो उनके वाइट फ्यूम्स नज़र आए, उस वाइट फ्यूम से एक कंक्लूजन निकाला उन्होंने, उन्होंने निकाला कि ये गैस आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही और ये जो गैस है वो बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इससे बाद ये बात उन्होंने साबित की कि हमारे पास जो गैसेज हैं वो एक जो स्पीड है उस स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही, डिफरेंट जो है वो रेट के साथ मूव कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि वो कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये उन्होंने स्टडी किया कि आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसी इसको स्टडी करके, उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने लॉ दिया जिसका नाम क्या है, ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है स्टेटमेंट इसकी, स्टेटमेंट सिंपल इसकी ये है कि उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने स्टेटमेंट दी के दी के, क्या दी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज यानी जो गैस की स्पीड है डिफ्यूज इनिंग, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट
ऑफ डेंसिटी और मॉलिकुलर मास, ये इन्होंने जो था ये दिया। अब इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मॉलिकुलर मास के रिस्पेक्ट से मोलर मास लिख लें या मोल लिख लें। अब यहाँ पर देखें, अमोनिया है, अमोनिया का मोलर मास होता है 16 ग्राम और इसका मोलर होता है कितना, 36.5 ग्राम। अब देखें अमोनिया का मोलर मास क्योंकि कम था तो ये तेज़ी से मूव करता हुआ, तो ये तो बात पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास कम है तो वो मूव करेगी, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना ज़्यादा आपके पास मोलर मास होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। मोलर मास जितना कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और सबसे पहले उन्होंने और दूसरा उन्होंने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, दोनों है मॉलिक्यूलर, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास भी हो सकता है और स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने जो था इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या थी वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि हमारे पास उन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी ए, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है जब भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटता है तो डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटने में यहाँ पर क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है, उसको नाम दिया इन्होंने के का, ये हो गया अंडर रूट डी अपॉन ए, ये हो जाएगा अंडर रूट डी अपॉन ए, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो गैसेज हैं, ये गैस ए है और गैस बी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, गैस बी के लिए भी इक्वेशन रखना पड़ेगी। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, के कांस्टेंट हटेगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, हमेशा याद रखें, एक कार है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही है, वो 100 की स्पीड से मूव कर रही है, 200 की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल सकेगा। लेकिन अगर वही क्या हो, हमारे पास दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं और हम क्या करें, उनकी स्पीड को कंपेयर करवाएं, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कार जो है वो दूसरी कार के मुकाबले में कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर एक है वो स्पीड उसकी है 100 और दूसरी की क्या है 50 है, यानी ए और बी है, ये 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और वो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। दोनों का रेशो निकाल लें तो रेशो आ गया 2। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ यानी स्पीड ऑफ कार ए इज 2 टाइम द स्पीड ऑफ कार बी, यानी यही है ना कि ये कार है उसकी स्पीड जो है वो डबल है, यानी ए की बी से डबल है, ए की बी से डबल है। तो इसी तरह से जब हमने कंपैरिजन करवाना है तो कंपैरिजन करवाने के लिए हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों गैसेस के रेट मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन दोनों गैसेस के रेट को, यानी ये दोनों जो गैसेस हमारे पास आई हैं, इन दोनों की दोनों गैसेस को आप डिवाइड करवा लेंगे। अब यहाँ पर देखें, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो जगह रेट ऑफ ए अप इज इक्वल टू के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, रेट ऑफ बी ये डिवाइड करवाया आपने इज इक्वल टू के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी बी। अब यहाँ पर देखें के कैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा आर ए अपॉन आर बी, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट डी ए। अब ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इस तरह ही हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट आ जाएगा, तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी और डेंसिटी ऑफ ए। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन बन गई किसकी, हमारी रेट की इक्वेशन की। अच्छा, इसके बाद देखें, आपको पता है डेंसिटी बराबर होती है किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम तो है ही यहाँ पे कांस्टेंट, तो डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके मोलर मास के। इसका मतलब क्या है, यहाँ डेंसिटी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मोलर मास भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास ऑफ बी और मोलर मास ऑफ ए। तो इसे ये हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की इक्वेशन थी।
ये हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब हम जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो पेपर में आमतौर पर आते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद देखें हम ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले याद रखें हमारे पास जो है वो रेट ऑफ ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के तीन केसेस हैं। उन तीन केसेस को आप पढ़ लेंगे। और सबसे पहला केस याद रखें कि ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमारे पास जो है वो एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो दो रेट को कंपेयर किया गया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि एक गैस है ए और दूसरी है गैस बी, ये दो गैस हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक गैस जो है वो 100 की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और दूसरी गैस जो है वो मूव कर रही है 50 की स्पीड से। ये रेट है, रेट का मतलब स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। अब जब मैं इनका रेशो निकालूंगा तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी, यानी रेशो होता है तो अपॉन में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 100/50। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा इसको वैसे भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो स्पीड ऑफ ए है वो 2 times है किस से, स्पीड ऑफ बी से। आवाज आ गई? ठीक है, अगर आप इसको देखें, अच्छा पहले मैं इसको आप ऐसे लिख के बताता हूँ। यहाँ पर देखें, ये क्या आपको रेट यानी स्पीड ऑफ ए जो है, जब मैंने इसको निकाला तो ये 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ ए है वो 2 times है रेट ऑफ बी के, ये यानी इसकी स्पीड जो है वो 2 times ज़्यादा है। ज़्यादा बात समझ आ गई? अच्छा, अगर ये ऐसा होता आर बी आर ए और आर बी, इसकी स्पीड होती 50 और इसकी स्पीड क्या होती 100, तो ये होता 1:2। अब जो बी है, रेट ऑफ बी है वो क्या है, वो 2 times है रेट ऑफ ए से, और इनको अगर आप अरेंज करें तो ये बन जाएगा आर ए अपॉन आर बी और अकबर 2/1। ठीक है, और दूसरा आर बी अपॉन आर ए इजिकल टू 2। ये सवालों में हमेशा, इन सवालों के अंदर जो हम करने के लिए जा रहे हैं इनमें हमेशा आपको जो है वो दो गैसेस का रेट कंपेयर करके दिया जाएगा। अब हम ज़रा इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल देख लें क्या है। अब न्यूमेरिकल ये है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ, अब मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ, स्टूडेंट इसका डेटा अब देख लें। इसमें देखें, इस सवाल के अंदर जो पहली टाइप है उसके अंदर दो जो गैसेज होती हैं उनका रेट कंपेयर कराया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज 2 times रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी। तो सबसे पहले डेटा बना लीजिए। डेटा क्या है? डेटा ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज 2 times द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, जो हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट ये चीज़ सबसे अहम है जो आपको इसमें न्यूमेरिकल में करनी है। ठीक है, ये आपने बना लिया, सही है कि जब भी आपको दो गैसेस का रेट कंपेयर करवाया जाए तो आप ये निकाल लें। ठीक है, इसके बाद आप देखें, अब इसके बाद उन्हें कहा गया है कि इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ए यानी मोलर मास ऑफ गैस ए जो दिया गया है वो 32 AM ग्राम पर मोल दिया गया। ठीक है, ग्राम पर मोल। अच्छा, इसके बाद मोलर मास ऑफ बी जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि आप जो है वो क्या करें, इसकी इक्वेशन लिखें। अब देखें यहाँ पर ए, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी तो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखें इक्वेशन लिखने में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऊपर भी होता है और मोलर मास जो है वो नीचे भी होता है। अब हमेशा याद रखें मोलर मास किस गैस का ऊपर आएगा, मोलर मास गैस अगर बी ए ऊपर है
तो मोलर मास ए का नीचे आएगा, अगर बी नीचे है तो ये आपको ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। इसके बाद रेट ऑफ ए अपॉन बी आपको पता ही है किसके बराबर है, 2/1 के बराबर, ये आ गया 2/1। मोलर मास ऑफ बी कितना दिया गया है मालूम करना है, ठीक है, ए हमें दिया गया 32 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 2 = mb/32, ये डिवाइड का है, वहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 62 ग्राम/मोल। ये हमारे पास जो है वो मोलर मास आ गया। तो स्टूडेंट देखें, पहली टाइप हम जो हमें इक्वेशन की दी गई है उसके अंदर कहा क्या कहा गया है कि हमें जो दो गैसेज हैं उनके रेट को कंपेयर करवाया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन सा है। अब स्टूडेंट इसमें देखें, इस सवाल में देखें कि इसमें बोला गया है, अब जल्दी से डेटा बना लें इसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया कितना है, 1.68 टाइम है इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl के। ये सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है, इस सवाल में। अब आप इसको अरेंज कर लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.68, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी जो है वो अमोनिया की कितनी है, वो है 1.68 ग्राम/लीटर, और डेंसिटी ऑफ HCl आपने क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें इसमें वही चीज़, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आप सबसे पहले, क्योंकि आपने अमोनिया को पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ अमोनिया, और नीचे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब देखें नीचे डेंसिटी है, नीचे HCl है, तो ऊपर डेंसिटी HCl की आएगी, और नीचे डेंसिटी किसकी आएगी, अमोनिया की आएगी, ठीक है। इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, वो 1.68 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा 1.68, ठीक है। डेंसिटी ऑफ HCl जो है वो हमें मालूम करनी है, और डेंसिटी ऑफ अमोनिया कितनी दी गई है, 1.68 दी गई है। इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे आप, इसकी आप स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.68 का स्क्वायर, मेरे पास भी कैलकुलेटर को ज़रा देख लें आप, ये डी एस से ये आ जाएगा 1.68, और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप 1.68 मल्टीप्लाई बाय 1.68 और मल्टीप्लाई बाय 1.68 करेंगे तो फिर जो है वो आपके पास क्या जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये तो है ना, ये दोनों रेशो हैं तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, जो कुछ है वो इसी का है, तो यहाँ पर भी आपके पास ग्राम पर लीटर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड टाइप हम देख लेते हैं, क्या है थर्ड टाइप, इसकी क्या है थर्ड टाइप है कि अब इसको ज़रा गौर से देख लें, ये वाली टाइप जो हमने करवाई, इसको आप कॉपी कर लें आप, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 16 ml ऑफ H2 डिफ्यूज करती है इन 30 सेकेंड, ठीक है, वॉट वॉल्यूम ऑफ वॉट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन। अब इसमें देख लें,
अब देखें यहाँ पर जो सेकंड टाइप है न्यूमेरिकल की, उस सेकंड टाइप में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई रेट जो है वो कंपेयर नहीं है। अब यहाँ पर जो कंपेयर है ना वो क्या है, डेटा बनाए इसका, ज़रा डेटा है, इस डेटा में लिखा हुआ है 16 ml ऑफ हाइड्रोजन, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है वो दिया गया 16 ml, ठीक है, इन 30 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, टाइम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है वो 30 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होगा ये आपने मालूम करना है, ठीक है। विल डिफ्यूज इन सेम टाइम का मतलब क्या है, यहाँ टाइम जो हाइड्रोजन का जो टाइम उसका है सल्फर डाइऑक्साइड का वही है इसका, यानी 30 सेकेंड, यह ठीक है, ये मालूम। अब इन सवालों में सबसे पहले देखें, जब भी आपको ये सवाल दिया जाए पहली चीज़ तो याद रख लें कि रेट का एक फॉर्मूला होता है, अगर रेट कंपेयर करवाया ना आपको, रेट कंपेयर करवाया हुआ है, आपने स्टार्ट तो यहीं से करना है हमेशा, इसको हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट तो आप यहीं से करेंगे, जब भी आपने स्टार्ट करेंगे वो यहीं से करेंगे, ठीक है, स्टार्ट तो आपने यहीं से करना। लेकिन यहाँ पर रेट कहीं गिवन नहीं है, यहाँ पर कहीं भी पे रेट गिवन नहीं है। तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था रेट जो बराबर होता है, रेट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, ये भी मैंने आपको कराया था कि अगर आपने रेट निकालना है, स्पीड निकालना है, तो रेट वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। सेकंड, रेट ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कौन सी गैस दी गई है, हाइड्रोजन दी गई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। और ये बताया था कि इसका जो नीचे है उसका मोलर मास क्या आएगा, ऊपर आएगा, और इसका मोलर मास क्या होगा आपके पास, नीचे आएगा, ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, रेट का फॉर्मूला आपको पता है, अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन है तो रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ, ये सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख लें रेट ऑफ ये, इसकी जगह मैंने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया, इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही देखें, ये यहाँ पर मैंने अलग से लिखा इसको। अब यहाँ पर देखें यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आ गया, ये स्टेप्स आपने याद रखे। अब देखें ये यहाँ पर डिवाइड में है, ये पूरी वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, अब पूरी वैल्यू के लिए जाके आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब जब पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टाइम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब सारे आप वैल्यू पुट कर दें, वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना दिया गया आपको 16 ml, तो ये हो जाएगा 16 ml, टाइम कितना दिया गया हाइड्रोजन का 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है, टाइम इसका भी 30 सेकेंड है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमने क्या करना है, मालूम करना है, इसका मोलर मास क्या है, 64 है, और इसका क्या है आपके पास, 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखें 30 30 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कराएं तो ये हो जाएगा 16 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अंडर रूट का 32, ये 32 आ गया। अब ये वॉल्यूम मालूम करना है, इस वॉल्यूम करने के लिए आप इन्वर्स कर देंगे, तो ये आएगा 16 1/√32, ये डिवाइड का है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 √32, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब भी याद रखें कि आपके पास क्या हो, टाइम गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, स्टार्ट आपने यहीं से करना है, ठीक है, जो भी गैस दी गई उसका रेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये किया। अब जो भी चीज़ आपने मालूम करनी है वो आप क्या कर लेंगे, आसानी से इसके अंदर से मालूम कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब बाकी इसके टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
यही दो टाइप्स आती हैं जो आमतौर पर आती हैं, वो मैंने इसमें करवा दी हैं, बाकी न्यूमेरिकल सेशन में हम इसको और कर लेंगे।